प्रेमिका की चाह में प्रेमी ने प्रेमिका के साथ मिलकर उतार दिया था बुजुर्ग चौकीदार को मौत के घाट। पुलिस को गुमराह करने के लिए चौकीदार को जिंदा जलाकर की थी हत्या। चौकीदार के शव का युवती के रूप में पंचनामा भर के करवा दिया गया था दाह संस्कार। अगले कुछ दिनों बाद ही प्रेमी ने प्रेमिका की भी कर दी थी हत्या। ग्रामीणों की शिकायत के बाद पुलिस जांच में हुआ खुलासा। प्रेमिका की बुलंदशहर में शव मिलने की पुलिस ने जताई आशंका। प्रेमी को पुलिस ने लिया हिरासत में। थाना टप्पल इलाके के हामिदपुर गाँव का पूरा मामला। नाम है आपका? चंद्र नाम है भाई साहब। चंद्र जी, क्या हुआ था, पूरी घटना बताओ। पूरी घटना ये भाई साहब, हमारे मामा जी लगते हैं वो मतलब वहाँ मेरे जोम पे चौकीदारी करते हैं, उसके बावजूद पास में नाई के मकान है बिल्कुल करीब में ही, और एक गुजर का लड़का जो मतलब उस लड़की से नाई की लड़की के साथ गलत संबंध थे, और वो डेली मेरे जोम में आता था। वो बड़े बूढ़ा परेशान था, ठीक है जी। उसने उनके घर कहने गया तो नाई ने उसकी डेड करके घर में घेर ली और रंगे हाथ वो लड़का लड़की पकड़ लिया मेरे जोम में, उनको साथ ले जाया के लड़के का हाथ पैर बांध के उसी कमरे में जिसमें डेड पड़ी थी बुड्ढे की, उसी में उस गुजर के लड़के को बंद कर दिया जी, और दोनों पे तेल छिड़क के आग लगा दी। जो लड़का लड़की उनने रचना तो ये रची थी कि लड़का लड़की मार दिए दोनों उसके बाद में। हाँ जी, उसके बाद में क्या होता है, लड़का बच जाता है वहाँ से, भाग जाता है कैसे भी, उसके हाथ पैर खुल जाते हैं या जल के रस्सी टूट जाती है और उसके बाद तोड़ के निकल के भाग जाता है। उसके बाद में जी सर ये होता है कि मतलब वो बुड्ढा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, डेड बॉडी उसकी ज़िंदगी जलाई जाती जाती है, ठीक है जी। और जब सुबह होता है तो उसको पैक कर लिया जाता है मतलब काली पिन्नी में और किसी कम्बल वम्बल में, और किसी को नहीं देखने देते हैं उसको। पोस्टमार्टम करने के लिए टप्पल थाने से पुलिस गई है जिसमें महिला भी है। महिला ने एक बार उसका चेहरा खोल कर देखा, बोली है कि तो मर्डर है ये, मतलब आग नहीं लगाई है, क्योंकि आग लगाने वाले बंदे में कोई पानी खून नहीं निकलता है, तो वहाँ खूनों का ढेर पड़े थे, ठीक है जी। किसको किसको दर्शा रहे हैं, मरा हुआ कौन मरा है? अब मरा वो तो अपनी लड़की को दिखा रहे हैं जी, मरा हुआ ऐसा कुछ नहीं, लड़की बिल्कुल नहीं मरी है, उसमें हमारे बड़े बूढ़े की डेड हुई है और वो पूरा गांव गवाही देता आप इसके जाके, किशोरी नाम है। हाँ, तो बुड्ढे क्या करते थे वहाँ? वहाँ चौकीदारी करते थे जी मेरे जोम में। तो लड़की किसकी थी उनकी? मेरे नहीं, मेरे जोम वालों की नहीं थी, वो पास में नाई के घर है जी, वो पप्पू की लड़की थी नाई के। और लड़की कहाँ है? वो लड़की उनने गायब कर रखी है जी कहीं। तो आप लोगों को कैसे पता लगा? ऐसे पता लगा है जो लड़का साथ था उसने बयान दिए, जो लड़की के साथ था वो फूका हुआ फिलहाल 30%, अब वो बयान बदल रहा है पैसे से दबाव से। लड़के का क्या नाम है? दबाव रविंदर नाम है जी। आपसे क्या है पूरा मामला? ये देखिए, टप्पल में एक गांव में डेड बॉडी मिली थी, वो घर के अंदर जो है जली हुई हालत में मिली थी, उसी में गांव वालों ने ये बोला था कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, उसी में एक लड़की की डेथ हो गई थी, और उसके बाद में उसका पंचनामा करके अंत्येष्टि कर दी गई थी। परंतु उसमें जो है गांव के दूसरे पक्ष के काफ़ी लोग आए थे, उनका ये कहना था कि साहब वो एक बुज़ुर्ग की जो है लाश थी। इसके बाद में जब हमने इसकी और तहकीकात की, विवेचना की, तब इसमें एक लड़का हमको मिला, उससे हमने पूरी डिटेल में बात करी है, तो ये पता चला है कि अब तक का जो घटनाक्रम है वो इस प्रकार से था कि उसमें जो है बुज़ुर्ग को लड़की ने और लड़के ने मिलकर के जो है वहाँ पे घर में जला दिया था, और वो बुज़ुर्ग की डेड बॉडी थी, और उसके बाद में जो है अभी लड़की को जब ट्रेस आउट करने की कोशिश की तो ये पता चला कि लड़के ने जो है 3 दिन के बाद में लड़की के भी मर्डर कर दिया था, और अब लड़की की एक डेड बॉडी जो है उनको काकोड़ थाना बुलंदशहर में एक अज्ञात लाश के तौर पर मिली है। अभी उनके परिजनों को भेज करके उसकी हम लड़की की शिनाख्त करवा रहे हैं, और इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम विवेचना हम लोग करेंगे। बुज़ुर्ग की हत्या करने के पीछे कारण क्या था? उसका कारण ये था, जो लड़का जिसको अभी हमने पकड़ा है, जो बताया है उसने पूरी बात, तो उसने जो कन्फेस किया वो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी इसको हमको तस्दीक करना बाकी है। वो ये बता रहा है कि लड़का और लड़की जो है भागने के प्लान में थे, मूड में थे, पर लड़की का जो है उसी समय मुँह दिखाई की रस्म एक दिन पहले हुई थी और उसकी शादी होने वाली थी, तो इनका ये प्लान बना लड़का और लड़की का कि कोई हमको डेड बॉडी चाहिए, ताकि ये रहे कि लड़की की मर्डर, लड़की की जो है आत्महत्या है, लड़की ने सुसाइड कर लिया, लड़की जल के मर गई है, तो एक कोई बॉडी हमको चाहिए जिससे वो जली हुई अवस्था में मिले और उसके बाद में हम लोग भाग करके शादी कर लेंगे, ये पता नहीं लगेगा, ये उसके पीछे मोटिव था। उसी में चौकीदार जो था वो इनके घर के जस्ट पीछे रहता था, उसी को वो लड़का लेकर के आया है ओवर पावर करके, और जो लड़के ने बताया है बाद में कि उसने ला करके मिट्टी का तेल उस पर डीजल जो जनरेटर से निकाल करके उस पर छिड़का, उसके बाद में उसको जलाया। उस समय घर पे केवल लड़की थी, वो लड़का जो वो था, और एक उसकी जो भाभी है जिसको कम सुनाई देता है, वो 3 जने। पुलिस ने पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया था उस समय? क्योंकि उस समय जो है इस तरह का किसी ने भी अपना विरोध या किसी ने भी अपना इस तरह का शक नहीं था,
एक नेचुरल कॉज में या नेचुरल तरीके से लग रहा था कि घर में शॉर्ट सर्किट हुआ है या डीजल से जो है वो लड़की जली है। उसमें गांव वालों से सबने कम से कम 20-25 लोगों ने साइन करके, उसके समस्त परिवार वालों ने साइन करके दिया था। उसी के आधार पे जो लोकल पुलिस है उसने पंचनामा कर दिया था और पीएम नहीं करवाया था। इसमें भी हम लोग जो है एक कार्रवाई करवा रहे हैं, विभागीय जाँच करवा रहे हैं कि किन कारणों से ये रहा है। और इसमें घटना का पूरी तरह से हम लोग अब तक पर्दाफाश कर चुके हैं। इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके आगे की विवेचना करेंगे। गिरफ्तारी अब तक किस किस की हो चुकी है? देखिए, मुकदमा अभी हम पंजीकृत किया है। अभी एक लड़के को इसमें हमने पूछताछ के लिए बुलाया है, उसी ने पूछताछ की है हमको पूरी बात।